नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 14 जुलाई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कर्मनाशा में डूबने से भाई बहन की मौत। धनसोई थाना क्षेत्र में गांव आई किशोरी के साथ दुराचार। शहर में चला मास्क चेकिंग अभियान। चौकन्ने हो जाएं, वाहनों की प्रदूषण जांच शुरू। अरियाव पंचायत में बनेगा बच्चों के लिए पार्क। भूमि विवाद को निपटाने के लिए एसडीओ ने की बैठक। यह थी आज की प्रमुख सुर्खियां। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, काम धेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया, बक्सर का अपना सर्फ, जीतू वॉशिंग पाउडर। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अभी आप ताली बजाते और नारे लगाते जिन लोगों को देख रहे हैं, यह कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज महंगाई को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री का पुतला मॉडल थाना के समीप जलाया गया। विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन साइकिल चला रहे थे। महिला सेल की अध्यक्ष साधना पांडे गैस सिलेंडर लेकर उनके पीछे चल रही थी। वहीं ठेले पर कुछ युवक बाइक लेकर एवं विरोध को जीवंत बनाने के लिए कुछ कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर भी सवार थे। यह नज़ारा शहर में देखने को मिला। इस सिलसिले में हमने पार्टी के अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन सरकार की महंगाई का कहर छाया हुआ है, ये अपने आप में कहा जाए तो ये कष्टदायक है। ये मोदी की सरकार है, झूठ फरेब की सरकार। इन लोगों ने क्या क्या वादा किया, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इनके पूर्व में जो पेट्रोलियम मंत्री थे उनका बयान आया कि देश में आमदनी कम है इसलिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके लोग देश चलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि आपकी अर्थनीति क्या है, आपकी इस देश को चलाने के प्रति आपकी नीति क्या है, आपकी सोच क्या है। वास्तविकता में ये लोग के पास किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है। और देश में आज जो हाल है, मैं आपको एक छोटे शब्द में कह देना चाहता हूँ कि आज देश में वास्तविकता कटु सत्य क्या है। देश में कटु सत्य है कि एक तरफ देश के उपक्रम है सेल पे, डीजल पेट्रोल 100 के पार और सच बोलने पे जेल में। ये मोदी सरकार की नीति है। अभी आप लोग दोपहर बाद दिल दहला देने वाली एक घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गाँव में हुई। भाई बहन ज्ञान प्रकाश 10 वर्ष, अर्चना कुमारी 13 वर्ष, यह दो बच्चे कर्मनाशा में डूब गए। दिन के 11 बजे ही नहाने गए थे लेकिन इन्हें डूबते किसी ने देखा नहीं। दोपहर बाद जब एक गांव का ही एक दूसरा व्यक्ति मवेशी धोने उस जगह गया तो उन्होंने दोनों बच्चों को बहते हुए देखा। फिर उसने आवाज़ दी, पूरा गाँव जमा हो गया। वे दोनों गोरखलाल राम के पुत्र हैं। आप यहाँ इनकी तस्वीरें देख रही हैं। बहन की उम्र अर्चना 13 वर्ष, ज्ञान प्रकाश 10 वर्ष। तीन बहनों में यह इकलौता भाई था। इसके डूब जाने की वजह से परिवार का जैसे चिरागी बुझ गया, पूरा परिवार मरमाहत था। एक आदमी देखा ला तो बताओ ला भाई धोता ला हम कि लड़की के कपड़ा हुआ वो बताओ ना ये कलर के रहा पैंट टेंशन रहा पीला बाहर रहा जबा जबा है तेरा मैंने बहुत जात लिया। अब हम नदी में डरने निकल के भाग गए। कौ बजे के हाई बार 11 बजे घटना का वो बताने वाले हैं शिवचंद ठकुराई। अभी आपने परिजनों की बात सुनी। गांव के व्यक्ति ने जब बच्चों के कपड़े देखे तो उसकी जानकारी दी। कपड़ों से पहचान हुई कि यह दोनों बच्चे गोरखलाल राम के पुत्र हैं। हालांकि यह अभी आपको हम बता दें, बुधवार की शाम तक इन दोनों का शव कर्मनाशा से नहीं निकाला जा सका। जनाब, हादसे तो लोगों को मरमाहत जरूर करते हैं लेकिन आम जन की करतूत सबको शर्मसार कर देती है। ऐसी ही एक घटना आज महिला थाने में सामने आई। धनसोई थाना क्षेत्र के बन्नी गांव में एक किशोरी के साथ
गांव के ही युवक ने दुराचार जैसा कुकृत्य किया है। इस मामले को लेकर यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना 12 जुलाई की ही है। इस संबंध में SDPO से मीडिया के लोगों ने बात की। सबीना खातून बनी की रहने वाली है, धमसोई थाना के अंतर्गत। आरोप लगाई है कि सोहेल नामक लड़का है जो मोटरसाइकिल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। तो क्या लग रहा है अभी इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट अभी मिला नहीं है और पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही पहले से संबंध है, परिचित है, अब जांच किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने सदर SDPO गोरखराम को सुना, उन्होंने कहा जांच चल रही है। अब जांच का जिक्र चल रहा है तो आपको दो खबरें हम और बता दें। आज बुधवार की दोपहर सदर SDO के उपाध्याय के नेतृत्व में मॉडल थाना के समीप जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क के आने जाने वालों से जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ऐसी कार्रवाई हर एक आध दिन पर कर रहा है, जिससे लोग इस बात का ध्यान रखें कि चलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। इसको लेकर SDO भी संदेश देते देखे गए। सभी लोगों को समझना चाहिए कि घर कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग बिना मास्क के घूमने में ज्यादा अपने आप को। पुलिस मुकदमों की जांच कर रही है, प्रशासन मास्क की जांच कर रहा है और अभी आप जिस वाहन को देख रहे हैं यह प्रदूषण जांच करने वाला वाहन है। आज बुधवार को NH-84 पर नवाडेरा के समीप नया भोजपुर OP पुलिस की मौजूदगी में यह वाहन खड़ा था। आने जाने वाले वाहनों से प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। आपको हम यह याद दिला दें, अगर आपकी व्हीकल का प्रदूषण जांच नहीं हुआ है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए चलते फिरते इस बात पर भी ध्यान दें, प्रत्येक पंप पर जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। जांच शब्द सुनकर डरना और घबराना नहीं चाहिए, हर जांच बुरी नहीं होती। आप सामने की तस्वीर देख लीजिए, जिले के उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर आज बुधवार को डुमराव प्रखंड के अरियाव गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने जमीन की उपलब्धता की जाँच की। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि ने आग्रह किया था हमारे यहाँ 15वें वित्त आयोग से चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कराया जाए, जिसकी घोषणा सरकार ने की थी। DDC ने वहाँ का निरीक्षण किया और इसका आश्वासन दिया, तालाब का जीर्णोद्धार होगा, वहाँ लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ बनेंगी और बच्चों के लिए शानदार पार्क का जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। शासन प्रशासन जहाँ सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगा है, वहीं अपने ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आप इन श्रीमान को देख लीजिए, बुजुर्ग हैं लेकिन अपने ही भाई से परेशान हैं। उनके भाई ने ही जमीन पर कब्जा करने के लिए धावा बोल दिया है। जमीन पर 144 लागू है, बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी है। इनकी शिकायत है न प्रशासन सुन रहा है न पुलिस वाले। जमीन पर 144 लगा रखी है लेकिन कोई सुनने नहीं आता और वहाँ निर्माण चल रहा है। इसका नतीजा है मेरा पूरा परिवार बीमार है और हम लोग खुद दहशत में जी रहे हैं। मेरी जमीन हड़पने की नीयत से बड़े भाई यहाँ चले आए। हम लोग का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं होने के वजह से हम लोग आपसी सहमति से दो भाई बक्सर में और दो भाई डुमराव में अपना किए हुए थे, यहाँ अभी घर हड़पना चाहते हैं सर। इसलिए सर से मेरा निवेदन है कि मेरी जान माल की रक्षा करे सर और न्याय की गुहार मिले। SDO सर से मेरा हर प्रक्रिया चल रहा है लेकिन यहाँ की डुमराव पुलिस कोई भी मदद नहीं दे रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सौरभजीत मिश्र है, मैं कंझरुआ का रहने वाला हूँ। मेरा पिता का नाम स्वर्गीय रामजी मिश्र है, हम चार भाई हैं। आज की बुलेटिन में यह था जिले का हालचाल। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।